क्या आपके लिए उन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपके लिए एक ऐप लाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां आपको खरीदा जा सकता है। अगला बॉलर है या बैट्समैन है तो आपको उस ऐप के जरिए खरीदा जा सकता है। कश्मीर के अंदर काफ़ी टैलेंट है, ये सबको पता है, हुनर हर किसी के पास है, लेकिन ज़रा ये बात भी जानेंगे कि क्रिकेट की दुनिया जब गर्मियों के मौसम में आती है तो तब यहाँ के कश्मीरी युवा जो है वो कोशिश करते हैं कि हम अपना हुनरबाज दिखाने, लेकिन अब ऐप के ज़रिए जिस तरीके से ड्रीम इलेवन या दूसरे एक से ऐप्स है या क्रिकेट बस की बात करते हैं कि उस तरीके से ऐप कश्मीर में भी होनी चाहिए, ये बहुत से क्रिकेटर कह रहे थे। मेरे साथ एक 27 साल एक नौजवान है जिसने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, लेकिन आज जो है उन प्लेयरों के लिए एक हम कह सकते हैं एक ताज बन चुके हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा फटाफट से, और कब दिमाग में आया कि ऐसा भी कारनामा करो? मेरा नाम अजान है। तो ये चीज़ मेरे आइडिया दिमाग में तब आया कि जब मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स हैं सारे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे क्रिकेट खेलते हैं और उनका गेम फी होता है, मैच फीस होता है दिन में, क्योंकि उनका जो अभी प्रोफेशन है वो ट्राई कर रहे हैं बड़ी लेवल के क्रिकेट के लिए, बट इन बिटवीन अगर हम देखें वो सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो किसी ओनर के लिए क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उनका एक गेम फी होना चाहिए, चाहे डिपेंड्स ऑन दियर टैलेंट कि वो क्या गेम फी रहेगा उनका। तो सेम चीज़ मेरे दिमाग में आया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां प्लेयर्स को बाई किया जाए। अच्छा। अभी भी ऐसा होता है बट मोस्टली ये वर्बली होता है, कोई ऐप नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वर्बली जब चीज़ें होती है तो बहुत सारे ओनर्स या तो डिले करते हैं पेमेंट में, या तो पेमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करते मैच ख़त्म होके, और आपको पता ही है कश्मीर में जो लोग हैं उनका जो ज़मीर है वो कभी मांगेंगे नहीं, अगर उनको मैच फीस नहीं मिला तो वो उनसे मैच फीस मांगेंगे नहीं। और भी बहुत बड़े बड़े रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, उनका सपोर्ट मिला, उन्होंने अपना टाइम निकाला, हमारे चीफ गेस्ट आए थे, शेख इमरान आए थे, जुनैद मुत्तू आए थे, उनका भी हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला। तो मेनली कश्मीर में यही है, भाईचारा है, अगर कोई कुछ इनोवेटिव सोच रहा है तो उसको पूरा प्रॉपर सपोर्ट। हम ये मानते चले कि अगर यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी है क्रिकेट में जो अपना हुनर दिखा रहा है, अगर उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसे प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे? एग्जैक्टली, मैं उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूँगा, और इससे कुछ होगा नहीं, इससे आपको मैं बताऊँगा, अभी अगर पेरेंट्स आप देखोगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे क्या चुगदारी करने का सर, क्या चुखर गसा यूअर गसा। तो अगर इनको एक अमाउंट मिल रहा है, मैं आपको बोलूँगा एक अच्छा प्लेयर है, मैं आपको बोलूँगा अगर उसकी मैच फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है, एक महीने में उसके 30 मैचेस आएंगे, तो वो बंदा 30 से 60 हज़ार तक पैसे कमा सकता है, और उससे बढ़कर क्या है। अच्छा, फटाफट से बता दीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, थोड़ा सा बता दीजिएगा किस तरीके से ऐप किस पर मिलेगी और क्या करना है। अभी एंड्रॉयड के लिए ऐप लॉन्च हुई है और iOS के लिए विदिन 7 डेज में लॉन्च हो रही है, तो एंड्रॉयड के लिए आप प्ले स्टोर पर जा सकते हो, प्रो प्लेयर स्पाई विदाउट स्पेस आपको सर्च करना है और यह ऐप आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, 27 साल की उम्र में जो है ऐप लॉन्च की है, लेकिन साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आपके लिए उन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपके लिए एक ऐप लाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ आपको खरीदा जा सकता है, अगला बॉलर है या बैट्समैन है तो आपको उस ऐप के ज़रिए खरीदा जा सकता है, तो आप इंशाल्लाह जो है आने वाले मुकाम पर जो है इसका प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। देखते रहिए मेरे साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ ग्लोबल कश्मीर न्यूज़।